खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड मिलेट्स मिशन की शुरुआत किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रही है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से, सिर्फ जो मौसमी फसल है इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है। इसकी खेती इस बार इतनी अच्छी हुई है कि हमारे कांके प्रखंड में अभी तक 250 से 300 किसान का क्वार्टल में पंजीकरण हो चुका है, और उन किसानों को जब इनका हम लोग भौतिक सत्यापन कर लेंगे तो इनको प्रति एकड़ 3000 रुपये की दर से इनको हम लोग एक प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। पोषक तत्वों का भंडार है मोटा अनाज। मोटे अनाज में पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम के अलावा विटामिन B6, बीटा कैटरीन, जत्सा, फोलिक एसिड समेत कई पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम होती है। कार्बोहाइड्रेट कुपोषित माता और बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इसमें कैल्शियम पाए जाने के कारण ये हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। झारखंड के कांके में रागी की लहलाती फसल किसानों की खुशी बयां कर रही है। किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई है झारखंड मिलेट्स मिशन के जरिए। इस योजना में किसानों को वित्तीय मदद दी जाती है। योजना से न सिर्फ टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है बल्कि किसानों को भी आमदनी बढ़ती है। हेमंत सोरेन की अनुवाई में झारखंड सरकार मिलेट्स की खेती के लिए हर एकड़ खेत पर खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3000 रुपए। सरकार की इस योजना ने कई किसानों की जिंदगी बदल दी है। योजना की बदौलत उनकी आमदनी बेहतर हुई है और जिंदगी में सुकून आया है। महमूद आलम और कई किसान इस योजना के फायदे गिनाते हैं। सिर्फ मोटे अनाज की खेती ही नहीं, योजना का मकसद उपज बढ़ाना भी है। इसके लिए राज्य सरकार ने एग्री क्लिनिक बनाए हैं। मड़ुआ है, बाजरा है, ज्वार है लगाने का मिलेट मिशन अंतर्गत में मोटा अनाज के तौर पे हम लोग को जो भी बेनिफिशरी को दिया गया है उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे सामने जो मड़ुआ का खेती लगा हुआ है, ये हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को आज मिलेट मिशन के अंतर्गत में काम करने का मौका मिला है। खेती बाड़ी करते हैं और मड़ुआ का भी लाभ मिल रहा है 25,000, तो मिलते रहेगा, हम भी करते रहेंगे, कोशिश तो बहुत करेंगे, होता है 5-6 क्विंटल। हमें मोटे अनाज के बारे में बताया गया, ब्लॉक के BTM के माध्यम से जानकारी मिला, और मोटे अनाज का खेती मिलेट मिशन का खेती कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड सरकार ने हमको पर एकड़ खेती करने के लिए 3000 रुपया सहायता देता है। जहां किसानों को बेहतर बीज और मिट्टी को सेहतमंद रखने के बारे में बताया जाता है। कांके जिले में 85% आबादी की रोजी रोटी खेती की बदौलत चलती है। इसमें 90% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं। झारखंड मिलेट्स मिशन ऐसे किसानों की जिंदगी में निखार ला रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।